हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू मित्र राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार अपडेट सर्विस के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन जो आधार की वेबसाइट है वहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया, आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे फोटो और बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर पाए, जैसे एड्रेस वगैरह हो गई अपडेट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों अपडेट तो आप कर पाए, लेकिन इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या अपडेट होने वाले। जब आप मान लीजिए अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो एड्रेस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो वैलिड है जो आप अपलोड कर सकोगे वहाँ पे, ताकि आपका जो करेक्शन है वो सक्सेसफुली हो सके। तो इससे रिगार्ड में बात करने वाले, आधार के अंदर जो ऑनलाइन करेक्शन हम करेंगे उन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है एड्रेस प्रूफ के लिए, और हस्बैंड वाइफ पे जो होते हैं उनके नाम में, और वहाँ पे हेड फैमिली के जो सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। कौन से आप करेक्शन करोगे उसके अंदर कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी से बताने वाला कि आधार सर्विस के अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, जिस चीज़ के आप करेक्शन करोगे उसमें आप सही है डॉक्यूमेंट लगा पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी इस विस्तार वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन है उसको दबा देना, और पास उस बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आगे आपको पूरी प्रोसेस बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आधार की जो ऑनलाइन सर्विस अपडेट के अंदर काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे आने वाले सबसे पहले क्या करना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, यहाँ पे ज्वाइन बटन के पास में इसको दबा देना है और पास उस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो आप संपूर्ण देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं आधार कार्ड ऑनलाइन करेक्शन के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं और किस चीज के अंदर आप कौन से डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आधार मेरा आधार मेरी पहचान करके 9 मई 2020 को ये जारी किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो POI का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कंसेशन नेम एंड फोटो। इनके अंदर अगर आप करेक्शन करवाते हो तो इनके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले, तो नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर से लेके यहाँ पे काफी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताएंगे। यहाँ पे नीचे चलोगे तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट में आता है पासवर्ड, अगर आप यहाँ पे नेम एंड फोटो में कुछ चेंजिंग वगैरह करवाते हो, जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, PDS फोटो कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो, IT कार्ड इश्यू, ऐसा करके नरेगा जॉब कार्ड हो गया, फोटो, आर्मी कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पेंशन फोटो वगैरह, किसान कार्ड, ये सब यहाँ पे देखिए। यहाँ पे टोटल इन्होंने बताया गया 31 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये चल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक ऊपर भी 32 यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो प्रूफ ऑफ IT कार्ड का। उसके बाद आता है PRO यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपको क्या है, जैसे नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ HOF हेड ऑफ फैमिली के, तो इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आप PDS कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जीजीए स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पेंशन कार्ड, आर्मी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब इस यूज आप कर सकते हो। यानी हेड ऑफ फैमिली के आपको नाम चेंज करवाना है किसी हस्बैंड वाइफ का, तो उसके अंदर आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है DOB डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। DOB के अंदर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, और चेंज होने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, बर्थ सर्टिफिकेट, SSCL बुक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इश्यू ग्रुप ए, ग्रेटिजन ऑफिशियल नोटिस, UID स्टेट सर्टिफिकेट फॉर्म, और उसके बाद फोटो आईडी कार्ड, हैव डेट ऑफ बर्थ इश्यू, पैन कार्ड, मार्कशीट इश्यू इन द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड इश्यू द PSU कॉन्स्टेबल। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये इतने सारे डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। इनके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इनमें से आप जो भी करेक्शन वगैरह करना चाहते हो उनमें से आप देख करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे PO प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के अंदर आप पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, और इस तरह से आप कंपनी का कोई है तो सिग्नेचर वगैरह किया वो भी चल जाएगा, किसान पासबुक हो गया, पेंशन कार्ड हो गया, आर्मी कार्ड, नरेगा कार्ड, ये सब कुछ यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ऑनलाइन करेक्शन के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो भी करेक्शन करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता है ये फॉर्म, जब आप वहाँ पे करोगे तो ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए ये फॉर्म है, आप भरकर भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन होता है उसमें कोई कंपलसरी नहीं है, तो अगर फॉर्म है तो फॉर्म हिसाब से आप यहाँ पे भर करके भी अपलोड कर सकते हो। ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, ये जानकारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।